21 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इसके लिए जहां जिला निर्वाचन कार्यालय ने अपनी सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं, वहीं निर्वाचन फॉर्म भरने में सहयोग करने वाले अधिवक्ताओं ने भी तैयारियां कर ली हैं। नामांकन फॉर्म के साथ उम्मीदवारों को संपत्ति की जानकारी के साथ ही बिजली और नगर निगम जैसे शासकीय विभागों के बकाया न होने के सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत करने होंगे। देखिए रिपोर्ट। चुनाव के दौरान नामांकन फॉर्म जमा करने के लिए अभ्यर्थी अधिवक्ताओं की मदद लेते हैं, फॉर्म भरने में कोई त्रुटि ना हो। आयोग के निर्देश अनुसार सभी शपथ पत्र और बकाया ना होने के सर्टिफिकेट व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत हो जाएं। इसमें अधिवक्ता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पिछले 30 वर्षों से चुनाव के नामांकन फॉर्म भरने वाले अधिवक्ता प्रदीप खोलकर सहित अन्य अधिवक्ताओं ने नामांकन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। आयोग की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करने के साथ ही नियम निर्देशिका का अध्ययन कर लिया है। एडवोकेट प्रदीप होलकर के अनुसार अभ्यर्थी को नामांकन फॉर्म के साथ अपनी संपत्ति का ब्यौरा शपथ पत्र के साथ देना होता है, जिसमें चल अचल संपत्ति, स्वर्ण और चांदी के आभूषण और कैश सहित अन्य सभी जानकारी शामिल होती है। ये आप सही बोल रहे हो। विगत कितने वर्षों से मैं विधानसभा, लोकसभा, पंचायत चुनाव, नगर निगम इन सबके चुनाव फॉर्म भरने के कार्य करता रहा हूँ। वकील की जो एडवाइस होती है उसमें लीगली वो मेरे द्वारा की जाती है। फॉर्म का सम्मिलित पूरा कंप्लीट करके दिया जाता है, वो एनओसियाँ लेके आ जाए, एमबीबी की एनओसी, नजूल की एनओसी, कोई बकाया नहीं है इसकी एनओसी, बैंक की एनओसी, कोई और नगर निगम की एनओसी, संपत्ति कर की एनओसी, ये सब एनओसियाँ लेके आ जाओ। उसके अलावा आप सबसे पहले जो सीए को अपना वो दिया स्टेटमेंट उसके हिसाब से फॉर्म कम्प्लीट करना है। आपके पास वर्तमान में कितनी चल अचल संपत्ति है, आपके आश्रितों के पास कितनी चल अचल संपत्ति है, सोना चांदी कितना है उसकी जानकारी देना है। और सबसे प्रथम आपको आपके ऊपर अगर कोई आपराधिक प्रकरण है तो उसकी जानकारी देना है, अगर सजा हुई है तो उसकी जानकारी देना है, आपके ऊपर कोई केस लंबित है तो उसकी जानकारी देना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात अभी ये आ रही है कि आपके पास कोई बॉन्ड, डिवेंचर्स और जो भी शासकीय अशासकीय शोध दिए बकाया हो या कुछ आपने किया हुआ हो इन्वेस्ट तो उसकी भी जानकारी देना है। और सबसे प्रथम आपके पास इसमें तो यहाँ तक लिखा हुआ हवाई पोत अगर आपके पास है तो उसके संबंध में भी जानकारी देवें। आपके आश्रितों के पास जो गाड़ी, वाहन, सोना चांदी जो भी है उसकी जानकारी आपको वर्तमान कीमत के हिसाब से देना है। और आपके पास जितने वाहन हैं उनकी जानकारी देना है। आना प्रारंभ हो गया, अभी 4 जनों को मैंने कच्चा फॉर्म बना दे दिया। मैं बीजेपी, कांग्रेस, आम पार्टी सभी के फॉर्म भरता हूँ। मैं एक और आखिर में आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं सभी उम्मीदवारों के चुनाव फॉर्म भरता हूँ और इंदौर के जागरूक मतदाताओं से यह निवेदन है कि अपने मताधिकार का उपयोग अवश्य करें। संपत्ति का शपथ पत्र देने के लिए उम्मीदवार अब चार्टेड अकाउंटेंट की भी मदद लेते हैं। उम्मीदवारों को आपराधिक रिकॉर्ड है या नहीं इसकी भी जानकारी देनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।